अभी आप कॉल किए थे सर 10-15 मिनट पहले कि कुछ कैशबैक वगैरह कुछ क्या बोल रहे थे आप। तो हाँ जी, तो चेक किए थे आप, कैशबैक रिसीव हुआ आपका? कैशबैक कहाँ रिसीव हुआ है, अभी कोई कैशबैक नहीं रिसीव हुआ है। कहाँ पे चेक किए सर, फोन पे ओपन करने के बाद? नहीं उस समय बिजी थे थोड़ा सा, तो बोले आपको बाद में कॉल कीजिएगा, तो अभी आए हुए मार्केट साइड। जी, तो अभी टाइम है आपके पास 2 मिनट? हाँ अभी तो पूरा टाइम है। जी, 1 मिनट। अच्छा नाम आपका क्या बताए थे सर? आप नाम बताए थे विक्रम कुमार। जी, तो विक्रम कुमार के नाम से आपका इस नंबर पे फोन पे यूज हो रहा है? हाँ जी, तो इसमें आपका रिवॉर्ड कैशबैक आया है कंपनी की ओर से 3499 का, यानी 3499 रुपए का। तो जानकारी के लिए आपके पास कॉल किया गया था सर, रिसीव हुआ कि नहीं, तो आप चेक किए थे अपना फोन पे में? नहीं अभी तो पैसा तो हमको नहीं मिला है, वैसे एक मैसेज आया था 3,000 का कुछ मैसेज। जी सर, तो मैं बताना चाहता हूँ सर, ये जो कैशबैक है आपका काफी दिन से पेंडिंग में बता रहा है, इसीलिए आपका अकाउंट पे रिसीव नहीं हो पा रहा, आपका लाइन पे रहते हुए यहाँ से रिसीव करा दिया जाएगा। ओके, तो खत्म हो गया का है भाई ये ऑफर वाला जो था। ऑफर खत्म नहीं हुआ सर, ये जो आप फोन पे यूज कर रहे हैं कितने दिन से यूज कर रहे हैं? वही 6-7 महीना से कर रहे हैं, अभी नया नया अकाउंट खोल। जो है 499, 999, 1499, 1499 बेनिफिट कैशबैक आपका अकाउंट पे जब रिसीव हुआ था? 1 बार हुआ था 150 रुपया हुआ था। 150 रुपया पर, जैसे कि आप बिल पेमेंट ट्रांजेक्शन रिचार्ज करते हैं, आपको कूपन मिलता है रिवॉर्ड में? हाँ, वो तो बहुत बार मिलता है, खोलते थे तो उसी समय 150 मिला था हमको। हाँ, तो वहाँ पे जैसे कि स्क्रैच करने के बाद वहाँ पे जो कैशबैक मिलता है आपको, 200, 250, 600, 500, जो जो भी आपको मिलता है, वो आपका अकाउंट पे रिसीव होता है सर? हाँ अकाउंट में आ जाता। ये बेनिफिट कैशबैक है सर, ये बेनिफिट कैशबैक कंपनी की ओर से आपको मिला है 3499 रुपये, तो आपका अकाउंट पे रिसीव नहीं हो पा रहा, आपका लाइन पे रहते हुए यहाँ पे सिस्टम पहुंचते बता दिया जाएगा, आप खुद से रिसीव कर सकते हो। ओके सर, होगा, मैं एप्लीकेशन का नाम बता दे रहा हूँ, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए अपना मोबाइल का। प्ले स्टोर ओपन कर लेना। जी सर, हाँ प्ले स्टोर ओपन कर लिए। वहां पे लिखिए सर, तो मैं ANY ANY DESK हाँ DES के लिखने सर। आया, वहां पे सर्च कीजिए। हाँ एनी डेस्क रिमोट रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, कितना MB का बता रहा था? ये आपका वही आसपास 10+ कुछ लिखा है डाउनलोड बुक में। 15 MB का बता रहा था, उसको इंस्टॉल कीजिए, मैं लाइन पे बनाऊँ, इंस्टॉल कीजिए। जी, हाँ सर इंस्टॉल करने डाल दिए हैं। वो कूपन एप्लीकेशन है, उसी के माध्यम से अभी आप खुद से रिसीव करेंगे, ओनली आपका लाइन पर अभी कस्टमर केयर से जानकारी दी जाएगा। ओके सर, ठीक है आगे से भी जो भी कैशबैक आपको बेनिफिट कैशबैक मिलेगा आपका डायरेक्टली अकाउंट पे रिसीव हो जाएगा। ठीक। ठीक है सर इंस्टॉल 50% हो गया है अभी। ठीक इंस्टॉल हो जाने के बाद उसको ओपन करना है। हो रहा है, थोड़ा तो सा रुकना जी, पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइन पर बनाऊँ, इंस्टॉल कर लीजिए सर। 75 हो गया सर। हाँ सर 100 हो गया ही। ओपन कीजिए उसको, ओपन करने के बाद देखिए वहां पे क्या आ रहा है। ओपन हो गया, ओपन होने के बाद यहाँ आ रहा है योर एड्रेस कुछ लिखा है। यूअर एड्रेस में आपको कूपन नंबर आ रहा है, नंबर हाँ नंबर आ रहा है यहाँ पे वेरीफाई कराइए, क्या नंबर बोलिए? 58 1 57 303 जी सर, जैसे कि सर आप नंबर बताए 5821 57 30 3। जी सर, हाँ सर नंबर आपका सही बता रहे हैं वहां पे?
हाँ नंबर तो ठीक बताया सर। दोबारा देख लीजिए वहां पे कितना नंबर है। 5 8 फाइव एट 1 1 वन 5 7 फाइव सेवन 3 0 3 3 0 3। थ्री जी सर, वहां पे जैसे कि ओपन करके उसके नीचे उसके स्किन को जैसे ही ऊपर उंगली से खींचते थोड़ा ऊपर खींचे, वहां पे जो खाली खाली बॉक्स आ रहा छोटा छोटा, और दोनों में टीक लगा के एक्स्ट्रा पे कीजिए, नीचे देखिए दोनों में टीक लगाइए। उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है, आ रहा हेलो, है। एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कर दिए। हाँ उसके बाद और एक बार एक्सेप्ट है क्या आ रहा है वहां पे। हाँ जी, 1 मिनट, स्किन को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, दो खाली खाली बॉक्स आ रहा था छोटा छोटा, एक्सेप्ट कर दिए। दोबारा कीजिए, दोबारा स्किन को ऊपर खींचिए, दो बॉक्स मिला खाली खाली छोटा छोटा, हेलो हेलो सर, हेलो अगर हम इसको हेलो सर, एक्सेप्ट कर मुझे दे आवाज अगर सुन पा रहे हैं सर? हेलो, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो ये मेरा सिस्टम एक्सेस कर लेगा मोबाइल। यही बात है, तो कुछ नहीं कर पाओगे सर, इतना तेज बन रहा है सब लोग लगा देगा। एक्सेप्ट कर लेने के बाद यहाँ लिख रहा है सेंडिंग मनी री टिंग इफ यू वांट टू एनी पर्सन कैन डू एवरीथिंग। हेलो। हेलो हाँ सर। सर, जैसे एप्लीकेशन ओपन करके रखना, आपको एप्लीकेशन ओपन आपका, हाँ, स्क्रीन को उंगली से जैसे ऊपर को खींचते हैं, थोड़ा ऊपर खींचिए, पहले ऊपर खींचिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ उसके बाद वहां पे जो छोटा छोटा बॉक्स आ रहा है टीक लगाने का, हाँ और दोनों में टीक लगाइए, लगा दिए सर, लगा ओके कर दिए। और उसके बाद नीचे एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट क्लिक कर दिए। और एक बार एक्सेप्ट करो, और एक बार कीजिए। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर कहीं। वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे देखिए, आप तो देख रहे हो ना, यहाँ पे खाली खाली कुछ कुछ नहीं है, वो फिर वही नंबर वाला खुल गया है। हाँ जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओपन करके रखना, वहां पे स्कीम को जैसे ऊपर खींचे, दोनों को आप खिला दिए थे, और उसके बाद वहां पे एक्सेप्ट करके आ रहा है, एक्सेप्ट हाँ आ रहा है। एक्सेप्ट कीजिए पहले, हाँ कर दिए। और एक बार एक्सेप्ट करा ऐसा, और एक बार कीजिए, कर दिए। हाँ उसके बाद स्टार्ट नाउ अलाउ करके आ रहा, स्टार्ट नाउ अलाउ कीजिए, उसके बाद क्लिक कर लीजिए, देखिए रिसीव हो गया होगा, सर रिसीव हो गया। हो गया। जी हाँ सर, सर वहां पे आप प्रोसेस किए, तो कंप्लीट प्रोसेस किए आप, हाँ कंप्लीट किए सर। वहां पे देखिए आपको दोबारा मिलेगा, हेलो सर, रिसीव आपको करना है, कैंसिल कर दो, बताइए सर, क्या रिसीव करना है। हाँ आपका जैसे कि वहां पे एप्लीकेशन ओपन है आपका, ओपन है, ओपन कर दिए सर। ओपन आप करने के बाद वहां पे आपको जो बता रहा हूँ ऐसा कीजिए ना, पहले दोनों बॉक्स में स्क्रीन को ऊपर खींचे, दोनों बॉक्स में टिक लगाइए, दोबारा हाँ वो टीक लगा के एक्सेप्ट कर दिए हैं, हम कीजिए, आप दोबारा एक्सेप्ट कीजिए, दोबारा भी एक्सेप्ट कर दिए हैं। और एक बार कीजिए सर, आप वहां पे देखिए, वहां पे मिला होगा आप एक्सेप्ट करने का, अच्छा एक्सेप्ट DISD से कुछ है यार, एक ये ACTR। स्टार्ट नाउ करके है, एक्सेप्ट है, हाँ एक्सेप्ट कर दिए, स्टार्ट नाउ वाला काट देते हैं का। स्टार्ट नाउ कीजिए, काटिए मत, स्टार्ट नाउ कीजिए, अच्छा और उसके बाद और एक बार आया होगा, स्टार्ट नाउ आया है, एक्सेप्ट आया है, हाँ कर दिए। अब वहां पे जैसे कि रिमोट एड्रेस आ रहा होगा, वहां पे जो कैशबैक आपका रिसीव होगा, वहां पे लिखिए ₹3,499, हाँ सर लिख दिए। आप चेक कर लीजिए अपना फोन पे, मैं देखिए रिसीव हुआ, रिसीव तो नहीं हुआ है। चेक कीजिए, मैं लाइन पे बना हूँ, चेक कर लीजिए एक बार, अच्छा फोन पे ठीक। अपना ओपन करिए, हाँ फोन पे ओपन किए। ये करता क्या है कि ओपन करवाता है, इंस्टॉल करने के बाद क्या करता है, ये बटन दबाने के बाद ओपन करवाता है। ओपन कर ये जो नंबर दिख रहा है वो नंबर पूछ लेता है, वो पूछ के इस फोन पे
अपने वाले फ़ोन पे ये टाइप करता है। मान लीजिए आप नंबर बताएं 6377533 और 393, लाइक दिस कुछ ऐसा नंबर बताएं, ठीक है। वो यहाँ से क्लिक करके एक सिंपल सा आपका फ़ोन में एक रिक्वेस्ट भेजता है। तो वो कुछ नहीं करता है, बस ये यहाँ पे जाके नंबर आपसे पूछता है और नंबर वो लिख लेता है, जैसे 510, उसके बाद फिर जो भी नंबर होता है 857, उसके बाद 685, ये नंबर आपसे पूछ लिया। पूछ लेने के बाद इस पे आपके क्लिक किया और एक रिक्वेस्ट जनरली भेज दिया। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट। इससे पहले आप पहली बार कर रहे होंगे तो दो ऑप्शन और दिखता है, वो वाला ये स्टार्ट नो पे कीजिएगा, मतलब आपको एक्सिस कर लेगा पूरा स्क्रीन, और फिर ये आपका वेट कर रहा है। आप इस फ़ोन में आप कुछ भी कीजिएगा उस फ़ोन में आपको दिखेगा, बेसिकली वो ये करने वाला था। देखिए अब जो मैं इस फ़ोन में करूँगा वो उस फ़ोन में दिखेगा। थोड़ा सा हमारे यहाँ नेट स्लो है इसीलिए थोड़ा लेट से आपको दिखेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर, ठीक है। देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फ़ोन पे खोलते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप यही बोलता है कि फ़ोन पे खोलने के लिए, और वो बोलता है कि यहाँ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, फिर वो क्लियर सा बताता है कि यहाँ पे आप डालो, यहाँ पे क्या डालने बोलता है, पैसा वगैरह कुछ, और फिर भेजने बोलता है ऐसे करके, ठीक है। आप सोचते हैं वो हमको देख रहा है तो वो सही बोल रहा होगा। मान लो वो अमाउंट डालने बोलता है और ये बोलता है कि यही आपका रेफरेंस कोड है, आप फिर भेजने बोलता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। बोलो फ्रेंड, आप लोग इस फ्रॉड से बचिए ऐसा।